अगम नहीं है बेटा, सिक्स है, मुझे पता नहीं चलते कहाँ पर बैठे हैं कहाँ पर नहीं। अगम आपको सिक्स अगम है भाई के पास। नहीं है। अच्छा चलिए बताइए फिर, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। क्वांटिटी यस, बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूनिट, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन से है, कैन यू टेल मी अगम, कौन से स्टैंडर्ड यूनिट्स है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा, जो आपने क्लास में पढ़े होंगे, हैंड स्पैन, क्यूबिट, है ना, फुट स्पैन, ये सब क्या है, दे चेंज विद पर्सन टू पर्सन, दे आर नॉट यूनिफॉर्म, राइट। सो एवरीबडी राइट डाउन, असाइनमेंट में ही लिखते हैं, चलो बैठो अगर, कि स्टैंडर्ड यूनिट्स आर सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एटसेट्रा। दीज यूनिट्स डू नॉट चेंज, नॉट चेंज, राइट डाउन, डू नॉट चेंज विद पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। दीज स्टैंडर्ड यूनिट्स डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस, देयरफोर दे आर यूनिफॉर्म, देयरफोर दे आर यूनिफॉर्म, ठीक है जी। इसलिए हमें स्टैंडर्ड चाहिए। देन सिक्स्थ बी इज कनिष्का, कनिष्का सिक्स्थ बी। हाँ जी बेटा, अपनी किसी से असाइनमेंट लो, टेक सम असाइनमेंट, ठीक है। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। आप पहले किया है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है? हाँ जल्दी से बताओ कि इसमें जो है, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि इसमें पेंसिल की टिप एक जो है वो 3 पे है और दूसरी 11 पे है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल, जल्दी से बताओ। यस, 6 सेंटीमीटर। कैसे निकाला बेटा? फाइनल रीडिंग हाँ मैम, देन एक्चुअल रीडिंग वेरी गुड। एंड देन मैम माइनस। हाँ माइनस करना है, फाइनल माइनस, फाइनल माइनस स्टार्ट रीडिंग, फाइनल की 11 और स्टार्ट की 3, कितनी होगी, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा, 8 होएगी। यस और नो बेटा? 8 सेंटीमीटर। समझ में आई बेटा कि नहीं? इज इट ओके? ठीक है बैठो बेटा, और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे बेटा आप। एवरीबडी हाउ विल यू फाइंड इट, बस इसमें आपने क्या लिखना है, टेक अ थ्रेड, मेजर द पेरीमीटर, यहाँ पे स्पेसिफिक लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5, मेजर द पेरीमीटर ऑफ द फ्रेम बाय अ थ्रेड, ठीक है। कैसे लिखोगे ये क्वेश्चन अगर आए तो, यहाँ पे लिखो कि टेक अ थ्रेड, सेकंड आ जाएगा पॉइंट, मेजर द पेरीमीटर पेरीमीटर मींस बाउंड्री, फ्रेम बाय अ थ्रेड, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मेजर द लेंथ ऑफ थ्रेड के
पे मेजर कर लो और फिर उसके बराबर की मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड ऑन द स्केल। एंड देन टेक लेस, टेक द लेस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थ्रेड। टेक द लेस, लेस जो हमने लेनी है इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थ्रेड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सिक्स और सिक्स सी में से मेरे पास आ जाना है बेटा। रवनीत ने, रवनीत कर लो बेटा पहले क्वेश्चन नंबर सिक्स, और जैसे ही होता है जूम से अपना माइक ऑन करना या जहां से भी आपने ऑफ किया है ऑन करना और फिर मुझे आंसर दो। हाँ जी रवनीत किया बेटा। देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10। तो वन सेंटीमीटर में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 10 रीडिंग्स होती है, 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ये कहा। हाँ जी रवनीत आ जाओ बेटा। सिक्स सी। हाँ जी बेटा बोलो। 3 सेंटीमीटर। देखो अपने असाइनमेंट कहाँ है आपकी? वर्कशीट ले के फिर आंसर बताओ क्या? एक्चुअल लेंथ कितनी है, एपेरेंट लेंथ कितनी है पेंसिल की? 40 मिलीमीटर। बेटा देखो जरा ध्यान से देखो कहां से कहां रीडिंग जा रही है। जा रही है आपकी 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, ठीक है ना? पेंसिल कहां पे है? 1 पे है, ये है। हाँ कितनी? ये एक लेंथ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मिलीमीटर में बताओ बेटा। आंसर तो मिलीमीटर में है, 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर एक्चुअल लेंथ है। और अब तो लेंथ क्या होगी? देखो जरा अपेरेंट कितनी थी यहां पे और यहां पे और यहां पे 5। अपेरेंट यहां आ रही है। अपेरेंट मींस जो कोई साइड में से देख रहा है उसको इतनी नजर आ रही है। अपेरेंट मींस एक्चुअल नहीं है। कितनी है ये? ऑप्शन ऑप्शन सी अपेरेंट है। 30 तो यही है, 5 ये, 35 और 2 ये 37। ऑप्शन सी अपेरेंट मींस फॉल्स, जो लग रही है। बिल्कुल ठीक है बेटा बैठो। 37 मिलीमीटर ऑप्शन सी इज करेक्ट। काउंटिंग ही करनी है बेटा, ज्यादा तो कुछ करना नहीं। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th कीजिए। करो करो जल्दी से। अब 6th D का नंबर आएगा इसलिए फटाफट। D में से मुझे मंजोत ने बताना है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन
नंबर 7 मंजोर। हां जी बेटा, देखो कितने कॉयल्स है, कितना डायामीटर है, एक का कितना होगा। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताओ मंजोर कि यहां पर निकालना क्या है हमने, डायमीटर ऑफ वन कॉइल या डायमीटर ऑफ द वायर, यस और नो। हाँ डायमीटर ऑफ अ वायर निकालना है। अब मुझे बताओ राइट में क्या लिखे, लेफ्ट में क्या लिखे। दो चीजें आपको दी हुई है, एक डायमीटर एक कॉइल। जल्दी से बताओ कि जो चीज निकालनी होती है वो हम कहाँ लिखते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट राइट, सो डायमीटर, एवरीबॉडी डायमीटर लिखना है राइट में, और नंबर ऑफ कॉइल्स बेटा व्हाट इज द डाटा गिवन, टेल मी क्विकली। फिर देख के आपको कितना क्या पता चल रहा है, कितने कॉइल्स है बच्चे। 14 14 कॉइल्स है, और इसकी लेंथ जो स्केल में दिख रही है वो कितनी है, अब कॉपी में किसी में नहीं करना, वर्चुअल वाले जो कॉपी हाउ लगाई मेनी मिलीमीटर्स यू कैन टेल। अब अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता देती हूँ, इट इज 28 मिलीमीटर्स। राइट डाउन इन मिलीमीटर्स नॉट इन सेंटीमीटर्स। तो 1 कॉइल का कितना डायमीटर होगा, चलो बेटा इसको किससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, क्या करें। दैट मैम 28 डिवाइडेड बाय 14 मैम इज एब्सोल्युटली ट्रू, 28 डिवाइडेड बाय 14। करो जरा इसको, 14 का टेबल गिनो। आता 14 2 20 है, 14 2 सो 2 मिलीमीटर। तो अगर हम देखें एक कॉइल ऐसे है, ठीक है एक कॉइल, तो इसका कितनी लेंथ या कितना डायमीटर है, 2 मिलीमीटर। तो हम क्या कहेंगे, बैठो बेटा, डायमीटर और इसमें आंसर अभी हम देखते हैं, डायमीटर ऑफ वायर इज 2 मिलीमीटर। बेटा इसको जल्दी से करो सेंटीमीटर में, यस 0.2 आएगा, यस इज 0.2 सेंटीमीटर। एब्सोल्युटली ट्रू, तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। सिक्स्थ ई क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए जल्दी से क्विक। सिक्स्थ ई एंड स्टूडेंट इज जसमीत कौर। जसमीत ने मुझे आंसर बताना है बेटा, कर लिया आपने, कर लो पहले 2 मिनट कर लो, टेक। वॉल्यूम कितनी है, उसके बाद स्टोन डाला है या ऑब्जेक्ट डाला, उसके बाद वॉल्यूम कितनी है, और फिर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे बताओ क्या आएगा। वेरी सिंपल, कोई ज्यादा तो है ही नहीं है। अच्छा पहले आ जाओ बेटा माइक के पास, आओ अपनी असाइनमेंट लेकर आओ जल्दी से। यहाँ पे बेटा कितनी वॉल्यूम है लिक्विड की, ये कितनी है पढ़ के बताओ। 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, कितनी है। 60 60 ml है, वेरी गुड। जब हमने ऑब्जेक्ट डाला है इसमें कितनी वॉल्यूम हो गई बेटा, 80 80। कितनी बढ़ गई, नहीं बेटा पहले वाले में बताओ, 60
80 mm. Now tell me, what is the volume of the object? देखो बेटे असाइनमेंट छोड़ दो, इधर देख, पहले 70 थी वाटर की, जब हमने इसमें डाला तो 80 हो गई, कितनी हो गई वॉल्यूम ऑब्जेक्ट की, कितनी वॉल्यूम होएगी मैम? 82। कैसे है? Anybody else from 6E? Anybody else? जिस बच्चे ने किया है वो लेंट्री आओ बेटे, जीके का क्वेश्चन है ये। हाँ वो देखो, वन स्टूडेंट इज कमिंग। यस, जो सेकंड कार की वॉल्यूम को 82 को है। 82 है आपका? यस 82 है। चलो 82 कर लीजिए। मुझे बताइए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? कैसे निकाला? क्योंकि जितना जब हमने ऑब्जेक्ट डाला तो 82 हो गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम थी, उसके कारण इसकी वॉल्यूम बढ़ गई। सो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। बैठो बेटा, वो स्टूडेंट से जाओ, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, या माइनस इनिशियल या स्टार्ट वॉल्यूम। फाइनल कितनी थी? 82। इनिशियल कितनी थी? 70। इस 12 सेंटीमीटर क्यूब, 12 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th, 7th, 6th F, जल्दी से। सिक्स्थ एफ में मुझे गुरवीर सिंह ने बताना है बेटा, पहले कर लो, देन गुरवीर सिंह विल टेल मी। गुरवीर सिंह विल टेल मी, पहले करो बेटा। जल्दी से 9th, 10th, 11th हमने किए हुए हैं क्वेश्चंस। गुरवीर आजा बेटा, 6th F आजा। हाँ जी बोल बेटा। मैम डी पार्ट। डी पार्ट क्या किया बेटा? थोड़ा सा ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बेटा कि ये स्केल लिया, बना के देख ले, पेंसिल की लेंथ है ये है 1.5, लेट अस से 1.5, और दूसरा एंड है 4.7 पे, ये है पेंसिल। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी है? करो पेंसिल लो या मुझे बताओ कि भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैम प्लस बेटा प्लस माइनस, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इसमें? स्टार्ट रीडिंग, फाइनल रीडिंग, क्या करना है उसको बेटा? इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे? मैम फाइनल रीडिंग, पहले फाइनल रीडिंग फिर माइनस करनी है कि प्लस करना है बेटा? मैम प्लस, माइनस मैम नो मैम माइनस, करेंगे बेटा, माइनस स्टार्ट रीडिंग। तो 4.7 माइनस 1.5 कितना हुआ? ओरली बताओ जल्दी से मुझे, फटाफट
करके नहीं देखना, ओरली उससे हम नहीं पूछना, सामने देखो स्क्रीन पे और ओरल बताओ 7 माइनस 5 कितना होता है, 3.2 सेंटीमीटर। किसी और ने नहीं पे ये बताएगा। हाँ 7 माइनस 5 कितना होता है बेटा, 7 में से 5 माइनस कर दिए तो कितने हुए, टू टू। पॉइंट लगाना है 2, और 4 में से 1 गए तो कितना हुआ, थ्री। थ्री। सो 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है करो जरा कॉपी में ठीक करो, चल के जाकर फटाफट गो एंड डू। इट इज फाइनल, FR नहीं लिख देना मेरी तरह से, फाइनल रीडिंग माइनस स्टार्ट रीडिंग। नेक्स्ट सेम क्लास, युवराज, युवराज खेपर, इज इट देयर? आजा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपनी असाइनमेंट लेके आए हो बच्चे, देखिए कितना समझ आया, फटाफट से मुझे देखे असाइनमेंट लेकर आओ बेटा। हाँ बताओ क्या करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, फाइनल रीडिंग क्या है, इनिशियल रीडिंग क्या है, जल्दी से बताओ। पहले तो सबसे पहले ये देखो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो पहले, मुझे सुन नहीं रही आपकी आवाज। मैम माइनस नहीं पहले पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है, माइनस तो ठीक है, किसी और ने नहीं बताना बेटा उसको ही पढ़ने। व्हाइल मेजरिंग क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ो बेटा। cm एंड द अदर एंड एट 0.92 मीटर वर्थ अब यहाँ पे देखो एक जगह सेंटीमीटर दिया है, दूसरी जगह मीटर दिया है, 0.92 को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? हाँ मैम सेंटीमीटर। बताओ फिर कैसे क्या होएगा, पॉइंट ये है 0.0, सिर्फ यही बताएगा बेटा और कोई नहीं, दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, ये मीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, मैम मल्टीप्लाई करना है मैम, इससे 1000 से। 1000 से नहीं 100 से बेटा, मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100। ठीक है 1000 से तब करेंगे अगर किलोमीटर, मतलब उसके मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, या किलोमीटर को मीटर में, आई सॉरी। सो इसको 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 92। 9200 मैम 9200। 92 सेंटीमीटर बेटा, क्योंकि पॉइंट है ना इसको हटाएंगे, इज इट ओके, है ना, यस जैसे 92 आपने कहा, 92.9 और पॉइंट भी नहीं, 92 100 है ना आपने ये कहा, और 2 डेसिमल लगाना है, इतना आ जाएगा कि नहीं, सो इट इज 92 सेंटीमीटर, राइट और नॉट? मैम राइट। मैम अब बताओ लेंथ ऑफ पेंसिल कैसे निकालेंगे, इनिशियल रीडिंग है या स्टार्ट रीडिंग है 25 सेंटीमीटर, फाइनल रीडिंग है 25, आई एम सॉरी, फाइनल रीडिंग है 92 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए लेंथ ऑफ पेंसिल हम कैसे निकालेंगे बेटा, क्या फॉर्मूला है, एम माइनस करना इसको किससे माइनस करेंगे? है मैम 92 को मैम 25 से 25 में से 92 माइनस होगा क्या, 92 मैम। नो मैम 92 को मैम 25 से। को 25 से नहीं, 92 में से 25, राइट? आप ठीक बता रहे हो, 92 माइनस 25 कितना आ जाएगा, जल्दी से फटाफट मुझे ओरली बताओ, 2 में से तो 5 माइनस हो नहीं सकता, तो 12 में से 5 कितना हुआ, मैम 7 12 में से 5 इज 7, और यहाँ कितना रह गया, 8 रह गया, 8 में से 2 करो 6 6, वेरी गुड, तो आंसर लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 67 सेंटीमीटर। ओके एवरीबॉडी गॉट इट?
चलो बैठो बेटा, वेरी गुड, है ना। सब एक बार इसके लिए क्लैपिंग कर दो, युवराज के लिए, वेरी गुड, ही हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए जी, सिक्स ए, अब जरा जल्दी से, ये हमने किया हुआ है, आई डोंट थिंक कि भी इसको रिपीट करने की जरूरत है। आप ये अगर निकालेंगे कॉपी में तो ये आपने किया हुआ है, राइट। चार बॉल्स का कितना डायमीटर है, एक का निकालना है, ओके। चलिए जी, अब नेक्स्ट M2, M2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करेंगे, पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 5 तक करो, देन वी विल डिस्कस, टेक 5 मिनट्स। टाइप्स ऑफ मोशन आपने मुझे बतानी है। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, हाँ जी बेटा, आ रही है आवाज, पहले आपका शायद माइक ऑफ था इसलिए नहीं आ रही थी। हाँ, यस मैम, क्वेश्चन नंबर 10 में मैम मिलीमीटर में करना है। मिलीमीटर में करना है, तो चलो फिर इसको मिलीमीटर में हम कर ले। 67 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करो, बताओ क्या आएगा। यस टेल मी, सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में चेंज करना है तो 670 मिलीमीटर। वेरी गुड, क्योंकि इसको फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 67 × 10 मिलीमीटर, वेरी गुड बेटा, 670 मिलीमीटर। और बेटा ये मत सोचना अब यूनिट टेस्ट, क्योंकि आपको करवाया है तो ये नहीं कि भी कोई भी जो है सिंपल सा पेपर दे देगा, नहीं, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये डेफिनेटली आएंगे। करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। सिक्स थे में से गुरजोत सिंह, जल्दी आ जाओ, गुरजोत सिंह आ जाइए, दीपिका आ जाइए, जसकरनप्रीत, ये आ जाओ जल्दी से, आगे आ जाओ, सिक्स थे जिस जिसका मैं नाम बोल रही हूं, निमृत, नैतिक एंड साहिब, आ जाओ जल्दी से, और फटाफट से, पहले तो माइक ऑन कर लो बेटा, जूम से माइक ऑन कर लो, सर को कहो भी माइक ऑन करेंगे। हाँ जी, चलिए, सिक्स ए स्टूडेंट, जल्दी से बताते चले, बुलेट फायर फ्रॉम द गन कौन सी मोशन है बेटा। सिक्स ए, आवाज आ रही है आपकी, जल्दी से बताओ, बुलेट फायर फ्रॉम द गन कौन सी मोशन है। एक ही बच्चा बोलेगा, रेक्टिलिनियर, गो टू योर सीट, नेक्स्ट आ जाइए, एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, जल्दी से बताओ कौन सी मोशन, जहां से शुरू हुई वहां से भागकर फिर वहीं पे पहुंच गई, कौन सी मोशन है, जल्दी से बताओ, यस टेल मी नहीं इट इज, मुझे सुननी है, कर्वी लीनियर बोल सकते हो, या सर्कुलर मोशन, है ना, करेक्ट, क्योंकि वो पूरा राउंड, ऑल्दो सर्कुलर मोशन इज ए टाइप ऑफ कर्वी लीनियर, बट पूरा राउंड लगाया तो सर्कुलर मोशन। बैठो बेटा, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, यस थर्ड स्टूडेंट, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, ऐसे 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 ऐसे, कौन सी मोशन, वाइब्रेट नॉट वाइब्रेटरी,
वाइब्रेटरी होते ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये कौन सी मोशन हुई? ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, बैठो, नेक्स्ट स्टूडेंट, हार्ट बीट। मैम नॉन पीरियोडिक। वेरी गुड, नॉन पीरियोडिक मोशन, वेरी गुड। बुल टाइट ऑन ए रोप, है ना, बुल है वो एक रोप से करके वो घूम रहा है। बुल टाइट ऑन ए रोप एंड मूविंग अराउंड फिक्स्ड पॉइंट, बीच में एक्सिस है जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है, कौन सी मोशन है? दो छुट्टियां थी, पढ़े नहीं हो, माइक उठा के बोलो, माइक उठा के बोलो, मुझे सुन नहीं रहा। इज इट रेक्टिलिनियर, रोटेशनल, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, कौन सी है? बेटा जो बुल तुम्हारी असाइनमेंट में ही दिया हुआ है, मैंने रिपीट क्या करना है, कहाँ है असाइनमेंट अभी? द बुल टाइड एक बीच में आपने जो है एक लगा दिया, है ना, आपने एक्सेस लगा दी, उसके अराउंड रोप से बांध दिया बुल को, और बुल इसके चारों तरफ घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, जैसे पंखा घूमता है, कौन सी मोशन है? रोटेशनल मोशन है ये, दिस इज रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट, बुक स्लाइडिंग ऑन ए टेबल। नेक्स्ट स्टूडेंट, बुक जो है आप ऐसे ऐसे पीछे कर रहे हो, स्लाइड कर रही है, कौन सी मोशन है? जैसे आपका ड्रॉर स्लाइड करता है, ड्रॉर को बाहर निकाल लिया, अंदर डाल लिया, कौन सी मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। बैठो बेटा, नेक्स्ट सिक्स्थ बी। हाँ जी, सिक्स्थ बी में से आ जाइए बेटा। सांची, सिमरनप्रीत कौर, कनिषा एंड आशीष, जल्दी से बताओ जिन स्टूडेंट्स का नाम मैंने लिया है वो आ जाओ, और फिर मुझे बताइए मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स इन गिटार, कौन सी मोशन? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, अपना माइक उठाओ और फिर बोलो। हाँ, वाइब्रेटरी मोशन, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए, रनिंग स्विंग मशीन, फटाफट से घूम रही है, उसके व्हील की कौन सी मोशन है? रोटेशनल, रोटेशनल, क्योंकि एक्सिस के अराउंड है, वेरी गुड। देन स्पिनिंग टॉप, फिरकरी से हम घुमाते हैं, हाँ मैम रोटेशनल, रोटेशनल, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, ब्लेड्स ऑफ ए सीलिंग पैन, ब्लेड्स जो हमारे ये ब्लेड्स पंखे के ब्लेड्स घूमते हैं वो क्या है? रोटेशनल, रोटेशनल, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए सिक्स सी, सिक्स सी। दो स्टूडेंट्स अपना माइक ऑन कीजिए और फिर बताइए बेटा, मेरे पास आ जाइए, प्रियांशी, प्रियांशा एंड रवनीत। रवनीत का तो हो गया था, प्रियांशा एंड अरमान सिंह, प्रियांशा एंड अरमान सिंह, जल्दी से आ जाओ। मैम प्रियांशा इज एब्सेंट। प्रियांशा कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए, बलजीत सिंह आ जाइए। दो स्टूडेंट्स के मैंने नाम बोले, फटाफट क्विक। हाँ जी बेटा, सोल्जर्स डूइंग मार्च पास्ट, मैं रोटेशनल, केड़ी रोटेशनल होंगी है, सोल्जर्स केड़ी रोटेशनल मोशन कर दे है? सोल्जर्स हाउ डू दे मूव, मूव ऑन दिस, यू नो कैसे मूव करते हैं? सीधा एकदम, नहीं एकदम सीधे, विच मोशन? मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रो मोशन कौन सी होती है बेटा? सर्कुलर। तुम्हें सर्कल का मतलब ही नहीं पता, या तो सोल्जर्स की मूवमेंट तुम सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन मोशन कौन सी होती है बेटा? मैम जरा इसको सर्कल का मतलब बताओ, सर्कल क्या है, सर्कुलर?
रोटेट करना क्या होता है? इट इज लीनियर, सीधी रो में जाते हैं, रेक्टिलीनियर मोशन बेटा, सोल्जर्स की मूवमेंट भाई, रेक्टिलीनियर सीधी रो में जा रहे हैं, सीधी लीनियर, लीनियर मींस सीधा, सर्कल दिस इज, ये देख इधर देख, ये है सर्कल, दिख रहा है, दिस इज सर्कल। क्या सोल्जर्स ऐसे मूव करते हैं? नहीं ना, ये है सर्कल, रोटेट करना। अगर सर्कल के बीच में यहाँ पे जैसे पंखे के ब्लेड्स है, ये रोटेट करते हैं, ठीक है, घूमते हैं ना, ये किसके बीच में, जो सेंटर में इसके पार्ट होता है उसके बीच में घूम रहे हैं ये, इज इट ओके? दैट यस इज रोटेशनल सर्कुलर। चंडीगढ़ आओगे तो यहाँ पे राउंड अबाउट्स है, वहां पे अगर चक्कर पूरा काटते हो दैट इज सर्कुलर मोशन, ओके? ठीक है, फिर जल्दी से एक अगला भी बता दे फिर। हैंड्स ऑफ एथलीट इन ए रेस, ऐसे 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 करके जा रही है ना, फिक्स पॉइंट यहाँ पे कौन सी? रोटेशनल ए रोटेशनल ते अड़े हो यार, रोटेशनल किथे? अपने ये नीचे कर और जरा चल के दिखा मुझे, हाथ हिला के चल के दिखा फटाफट से, ये पकड़ा और पीछे को जा, हाँ हाथ हिला, कैसे हाथ हिलाते चलते हुए, हाँ आगे आ जा। ये कौन सी रोटेशनल है? क्या पंखे की तरह तुम्हारे हाथ घूम रहे हैं? डू योर हैंड्स मूव लाइक अ फैन? नहीं, ये पेंडुलम की तरह से है, यहां पे फिक्स्ड है, आगे पीछे पेंडुलम पर, इधर देख, असाइनमेंट छोड़ दे, पेंडुलम इस फिक्स पोजीशन पे है ना, दिस दिस है ना, यहाँ पे अटैच है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसे ही हमारी बाजू यहाँ पे अटैच है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, आगे जा रही है, पीछे, पेंडुलम की तरह मूव कर रही है कि नहीं? एंड विच इज दिस मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सी मोशन है? हाथों की, ऑसिलेटरी मोशन। हाँ ध्यान से पढ़ना है, हर चीज सर्कुलर और रोटेशनल नहीं है। चल बेटा नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ जी छोड़ो, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इधर देख, असाइनमेंट छोड़ दे, मैं बता रही हूँ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन कौन सी मोशन है? रोटेशनल इट्स नॉट रोटेशनल, इट्स सर्कुलर है ना, क्योंकि बीच में एक्सिस थोड़ी है, ठीक है, यहां पे देखो बेटा, एक तो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है ऐसे ऐसे, दैट इज रोटेशन, एंड दिस इज सन, दिस इज ऑर्बिट, एंड अर्थ इज मूविंग, यहां पे जा रही है, दिस इज सर्कुलर एंड पीरियोडिक, पीरियोडिक मीन्स रिपीटेड, ओके? सो सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन, अर्थ अराउंड सन इज सर्कुलर एंड पीरियोडिक, अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज रोटेशनल, ओके? बैठो बेटा, नेक्स्ट आ जाइए, हैंड्स ऑफ क्लॉक, सिक्स डी, सिक्स डी में से कर लो पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कीजिए जल्दी से, सिक्स डी वाले स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आना, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिए, व्हील की कौन सी मोशन है? निडल, आप देखो निडल ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रही है, बट इसकी कोई मेन पोजीशन नहीं है, ठीक है, तो कौन सी स्ट्रेट लाइन में है, कि रोटेशनल है, कि सर्कुलर है? उसके बाद क्लॉथ ऐसे 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 करके मूव होता है जब हम सिलते हैं, और उसके बाद थ्रेड वो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, कम हो रहा है, आपने बताना है। अवनीत, भाविका, जसमीत कौर एंड कृतिका, ये चारों ने आना है, एंड वन मोर रिया, सिक्स डी में से ये पांच बच्चों ने आना है, कम फॉरवर्ड, अपनी अपनी वर्कशीट्स लेकर आनी,
कम कम यस, जल्दी से आ जाइए। अब हमें बताइए हैंड्स ऑफ द क्लॉक, बताइए मूवमेंट कौन सी है हैंड्स ऑफ क्लॉक। इट इज सर्कुलर नहीं बेटा, रोटेशनल, क्योंकि बीच में फिक्स्ड है बच्चे, है ना। इट इज फिक्स्ड इन द सेंटर, जिस जिसने आंसर दे दिया वो बैठते चलो। नेक्स्ट इज द व्हील ऑफ द स्विंग मशीन, यस टेल मी कौन सी मोशन है इसकी। मैम द नीडल नहीं पहले ये नहीं पूछना, ये हमने पूछना है, ये पूछा गया है कि इन चारों में से हर एक की मोशन बतानी है, टाइप ऑफ मोशन। तो व्हील की कौन सी मोशन है, मैम रोटेशनल। रोटेशनल, वेरी गुड। निडल की, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट। निडल की कौन सी मूवमेंट है बेटा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जाती है ना निडल। नहीं आ रही, याद वाली तो इसमें बात ही नहीं है बेटा। गलत बताओ, कुछ बताओ तो सही, हम सब तो दो सही। अच्छा मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, निडल की बेटा रेक्टिलिनियर है कि सर्कुलर है। हाँ मैं रेक्टिलिनियर। तो इसमें याद करने वाली तो बात ही नहीं, इट इज रेक्टिलिनियर मोशन। बैठो बेटा, नेक्स्ट आ जाइए क्लॉथ की। क्लॉथ ऐसे ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल की ऑसिलेटरी। मैं ऑसिलेटरी। इधर देख, ध्यान से देख, है ना, यहाँ पे सुई है ना, जो निडल है ऐसे ऐसे चल रही है, और हम क्लॉथ को ऐसे 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 करके मूव कर रहे हैं, तो ये सीधी रो में जा रहा है, तो कौन सी मोशन हुई क्लॉथ की। छोड़ो उसकी कॉपी छोड़ दो, हाँ यार ये तो उसने बता दिया और आपने कर लिया, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। सीधा मतलब लीनियर, स्ट्रेट, रेक्टिलीनियर, स्ट्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, थ्रेड, थ्रेड जो है वो आपने मशीन के ऊपर लगा ऐसे से घूमता है, बताओ। थ्रेड जो है बेटा देखो, ये ऊपर मशीन के ऊपर लगा हुआ है और यहां से थ्रेड निडल में आ रहा है, तो कौन सी मूवमेंट हुई थ्रेड की। मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, रेक्टिलिनियर कर, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी द नीडल कैन बी पीरियोडिक मैम, बिकॉज इट मैम लाइक डू एट द सेम टाइम मैम पीरियोडिक कैन बी पीरियोडिक, बट अगर हम सेम स्पीड पे घुमा रहे हैं मैम। यस मैम, मशीन की, तो डिफरेंट स्पीड हो जाती है यस ना, इसलिए हम उसको पीरियोडिक नहीं कहते, ठीक ओके मैम। है। आप बताइए बेटा, मैं ऑप्शन बता रही हूँ, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, रोटेशनल की ऑसिलेटरी। मैम ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी होता है बेटा ऐसे 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 घूमना, क्या थ्रेड ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहां से थ्रेड नीचे आ रहा है निडल में। आपको मैंने तो रास्ता भी दिखा दिया, क्या है ये, कैसा रास्ता नजर आ रहा है, सर्कुलर सर्कुलर तो ये होता है, इट इज कर्विलीनियर, कर्व, ये नजर नहीं आ रहा कर्व, ठीक है। तो थ्रेड की मोशन कैसे है, कर्वी लीनियर मोशन, ओके ठीक है। बैठो बेटा, पढ़ो समझो, क्लास में प्रेजेंट हुआ करो, गुम हो जाते हो क्लास में। इट्स कर्वी लीनियर मोशन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सिक्स ई, सिक्स ई में से आ जाइए बेटा, लवेश, एकम, बन्नत। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी बेटा, नहीं पहले क्वेश्चन नंबर 4, कार के व्हील्स की कौन सी मोशन है बेटा, रोटेशनल रोटेशनल मोशन है, क्योंकि सेंट्रल में एक्सिस के अराउंड घूम रही है। बट यहाँ पे एक बार और देख लो, ध्यान से इधर देखो, रोटेशनल एंड रेक्टिलिनियर, ध्यान से एवरीबॉडी, कार की व्हील्स लिखो, व्हील्स
व्हील्स ऑफ कार शो टू टाइप ऑफ मोशन, एक तो वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं और वो स्ट्रेट सड़क पर भी चल रहे हैं। है ना, बैठो बेटा लिखो, एवरीबडी राइट डाउन। मूवमेंट ऑफ व्हील्स ऑफ कार शो टू टाइप ऑफ मोशन, रोटेशनल एंड रेक्टिलिनियर। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए बेटा। पिस्टन, पिस्टन जो है ना बेटा, वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव करती है। व्हाट इज दिस? रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर एज वेल एज ऑसिलेटरी भी हम कह सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड, बैठो बेटा। स्टीयरिंग सिस्टम, जो हम ऐसे घुमाते हैं बट पूरा नहीं ना घुमाते, कभी हम ऐसे करते हैं कभी हम ऐसे करते हैं, कौन सी है? कर्वीलिनियर कर्वी लीनियर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, कर्वी लीनियर। विच ऑफ द मोशन इज शोन बाय द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पुली? रोप ऑफ द पुली, हम उसको खींच रहे हैं ऐसे करके ऐसे करके, बट वो व्हील के ऊपर भी चल रही है, सो कर्वी लीनियर। रोप ऑफ द पुली कर्वी लीनियर, व्हील ऑफ द पुली सर्कुलर, नहीं, व्हील ऑफ द पुली रोटेशनल, एंड बकेट फुल ऑफ वाटर ऊपर नीचे से ऊपर आ रही है सीधी, रेक्टिलिनियर। ठीक है, मैं बता देती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है, इसलिए हम अब बाइसाइकल में रेक्टिलिनियर मोशन कौन शो कर रहा है? व्हील्स भी शो कर रहे हैं और हैंडल भी शो कर रहा है, हैंडल एंड व्हील्स। सर्कुलर मोशन व्हील्स, सर्कुलर मोशन व्हील्स, बोथ रेक्टिलिनियर एज वेल एज सर्कुलर मोशन, अगेन व्हील्स, मैंने आपको बताया था, बोथ सर्कुलर एंड रेक्टिलिनियर मोशन व्हील्स, व्हील्स घूम भी रहे हैं और सीधा चल रहे हैं। ठीक है जी, पहेली मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम दिस, शी टेक्स 20 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस दितने एंड 30 मिनट्स टू कवर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, शी देन टर्न्स बैक एंड टेक 30 मिनट्स टू कवर द डिस्टेंस सी बी एंड 20 मिनट्स टू कवर द रेस्ट, शी मे। हमारा हाँ जी बेटा, आई फर्स्ट पीरियड इज स्टार्टेड। नो, बस ये 3 क्वेश्चन रह गया क्योंकि बाकी के पड़े हुए। चलिए कोई बात नहीं, ये फिर आप करके आना, फिर हम अभी आपकी, देखिए वेडनेसडे से यू विल हैव योर मैथ्स क्लास एंड देन आफ्टर योर मैथ्स कंटिन्यूअस क्लासेस है, वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस आल्सो, राइट? ठीक है, चलिए, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। Take out your English test.